के MPs नहीं है क्या? हम किसी हलके से ताल्लुक नहीं रखते क्या? हमारी प्रायोरिटीज हमारे लोगों के काम नहीं है? हमने भी पार्टियों में अपने लोगों के लिए जाने दिए हैं, हम ऐसे इन जगहों पे नहीं बैठे हुए हैं। यहाँ पे रिस्पेक्टेड मेरे माइनॉरिटीज के भाई हैं, मेरी बहनें हैं, हम इसलिए नहीं बैठे। जनाब स्पीकर साहब, एडमिनिस्ट्रेटर को आप लोगों ने जो है ना रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, 2 महीने से नादरा वैन की एप्लीकेशन डिस्ट्रिक्ट मस्तूम के DC के टेबल पे पड़ी है, आज तक वो अप्रूव नहीं होती। तो वो क्या मेरे लिए काम करेंगे? वो आज भी दश्त में जाके शिनाख्ती कार्ड बना सकते हैं, लेकिन वो MRV वैन मुझे नहीं दे सकते। क्या इस पे वो स्टांस लेंगे कि शकीला जो है ना अपने किसी हल्के में या कहीं पे काम करवाए? सवाल ही पैदा नहीं होता। इसके अलावा मुझे बहुत इंतहाई अफसोस, जब भी न्यूज़पेपर में देखती हूँ तो उस दिन भी मेरी नज़र से एक न्यूज़ गुजरी कि बलूचिस्तान में 33 अफराद को यानी ऑफिसर्स को सिंध में परमानेंट कर दिया गया है। उसके अलावा OGDCL है, उनके मुलाजमीन को परमानेंट ना किया गया। उसके अलावा हमारे पास जितने भी पोजीशंस जब आती हैं, नायब तहसीलदार, एक स्टूडेंट ने मुझे फ़ोन किया, एक काबिल स्टूडेंट CSS की तैयारी कर रहे हैं, कहते हैं मुझसे डिमांड किए 25 लाख रुपए की। आप मुझे बताएं हम किस तरफ जा रहे हैं? हमारे परसों में गई हूँ, परसों बजात खुद मैं BMC हॉस्पिटल गई अपने एक पेशेंट के पास, कोई स्टाफ नहीं था। खुदारा इन ब्लैक मेलिंग्स को आप ख़त्म कर दें। एक प्राइवेट हॉस्पिटल में एक डॉक्टर की अगर पिटाई होती है, उसकी तहकीकात नहीं हुई, सारा आपका ब्लैक मेलर एसोसिएशंस यूनियंस हड़ताल करते हैं, तो वहाँ पे औरतें नहीं मरेंगी, बच्चे नहीं मरेंगे, वहाँ पे लोग दरबदर नहीं होंगे? आपके मिनिस्टर साहब बैठे हुए हैं, तबादलों से और रिक्रूटमेंट से निकल कर इन इश्यूज को देखें। आपका बच्चा शायद BMC ना जाए, आपका बच्चा BMC ना जाए, मुझ जैसे गरीब लोग BMC जाते हैं, सिविल हॉस्पिटल जाते हैं, मैं अफोर्ड नहीं कर सकती प्राइवेट हॉस्पिटल। वही डॉक्टर्स आपके प्राइवेट हॉस्पिटल्स में 800-1000 के लिए बैठे हुए हैं, आपका BMC बंद है? निकाल दें आप, यहीं पर डिसीजन ले लें, निकाल दें ऐसे ब्लैक मेलर्स को, आप क्यों रखते हैं? PSDP पे हम रो रहे हैं, ये हमारा रोना नहीं है। अब आपके सामने कह रहे हैं जहरी साहब, मेरा अपना ताल्लुक एजुकेशन से रहा है, एजुकेशन स्पेशलिस्ट मैंने काम किया है। बलूचिस्तान में जो सूरत हाल है एजुकेशन की, कोयटा को ना देखे, जहाँ कोयटा में हम कहते हैं ज़रूरत नहीं, आप जरा चले डिस्ट्रिक्ट मस्तूम के इलाकों को दिखाऊं। यहाँ पे आज हमारे एजेंडा में है कि हमें बलूचिस्तान में जो ये बारिशों से तबाही हुई है, DC मस्तूम को 20 मरतबा मैंने फ़ोन किया है, मेरे लोगों को एक चीज़ नहीं मिली है। मेरे शिनाख्ती कार्ड पड़े हुए हैं, आप लोग दे रहे हैं एडमिनिस्ट्रेटर्स को, फिर आप अवामी नुमाइंदों को आप साइड कर दे, हमें एक साइड पे बिठा दे, बांध के हमारे एडमिनिस्ट्रेटर्स अपनी मर्जी करते रहे। अब वो ठेकेदार भी बन गए, अब जाहिर है वो अपना जो उनका सेटअप है ऑलरेडी उसी को लेके चलाएंगे, वो मेरे लिए मेरे अवाम के लिए काम नहीं करेंगे। लिहाजा PSDP में अगर खवातीन और माइनॉरिटीज का हिस्सा नहीं है, तो यहाँ पे मैं कॉकस के थ्रू कहती हूँ कि आइंदा किसी भी इजलास में हम नहीं बैठेंगे। वी आर नॉट हियर प्रेजेंट, हम यहाँ कोरम पूरा करने के लिए नहीं है, हम भी अवामी नुमाइंदे हैं, हमने भी खून दिया इस सरजमीन के लिए, ताकि लोगों के लिए। जी अख्तर हुसैन लांगो।